जय टेक की सरकार। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन क्लास 10th का डे 3 सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। आज की वीडियो अपन क्वेश्चन 3rd का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन तीनों सीखेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 और डे 2 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो आप डे 1 और डे 2 देख सकते हो। आज की वीडियो अपन सीखेंगे डे 3, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा हमने क्वेश्चन सेकंड सीखा था ना, सेम टू सेम उसी भी का क्वेश्चन थर्ड है। आपसे बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, कुछ नंबर आपको दे रखे हैं ऐसे, पहला क्वेश्चन दे रहा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा, तीसरा क्वेश्चन दे रहा। इंटीजर मतलब होता है नंबर। वाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको किस मेथड से अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए टॉपिक को अपन करते हैं स्टार्ट। पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपन लिखा गिवन, क्या लिखा? फर्स्ट क्वेश्चन पहले अपन लिखा गिवन, कॉमा लगाया आपने। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है? 12, 15 और 21। लिखा 12, 15 एंड 21। तो आपको 12 के फैक्टर करना है, 15 के फैक्टर करना है, 21 के फैक्टर करना है। करते हैं अपन, ये रहा 12। तो पता है 12 किससे कटेगा? 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, पर जो छोटा नंबर होता है पहले हमेशा उससे काटते हैं। छोटा नंबर कौन है? 2 है, 2 से काटेंगे। 2 की टेबल 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। अब 6 भी 2 से कटेगा, 2 की टेबल 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। और 3 की टेबल 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। अब कौन करेंगे? 15 करेंगे। 15 पता है 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, पर छोटा नंबर कौन है? 3, इसलिए पहले किससे काटेंगे? 3 से। 3 की टेबल 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। वो 5 की टेबल 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। अब कौन है? 21। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 की टेबल 21 कितनी बार में आता है? 7 बार में। और 7 की टेबल 7 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। तो आपने 12 के फैक्टर करे, 15 के फैक्टर करे, 21 के फैक्टर करे। अब कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। आपने लिखा नाउ, कॉमा लगाया, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहला कौन था? 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 लिखा, फिर लिखोगे दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, फिर कौन था? 21 था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। अब देखो 12 में कौन आया? 2 बार 2 और 1 बार 3। तो 12 में कौन आया? 2 बार 2 आया, 1 बार 3 आया। 15 में 1 बार 3 आया, 1 बार 5 आया। तो 15 में 1 बार 3 आया और 1 बार कौन आया? 5 आया। 21 में आपके पास कौन कौन आया? 3 आया और 7 आया। तो 21 आपने लिखा 3 और 7। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। लिखा आपने हैंस, कॉमा लगाया, एलसीएम और एचसीएफ, दो चीज आपको फाइंड करना था। पहला आपको सिखाता हूं एचसीएफ फाइंड करना। देखो एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं? तीनों में क्या हो? सेम हो। तीनों में अगर सेम होगा या फिर दो में सेम होगा तो, एचसीएफ में क्या होता है? अगर तीनों में सेम होगा ना, जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। दो में सेम होगा तो भी काम नहीं चलेगा, तीनों में सेम होगा ना तो वो एक बार लिखना है, वो हमारा होता है एचसीएफ। देखते कौन कौन सेम है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो तीनों में कौन सेम है? 3 सेम है, तो हमारा कौन हो जाएगा? वो एचसीएफ हो जाएगा। अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम में क्या होता है डियर स्टूडेंट? एलसीएम में अगर ऊपर नीचे दो में सेम हो तो भी एक बार लिखना है, अगर तीनों में सेम हो तो भी एक बार लिखना है, अगर ऊपर ऊपर कितनी बार नंबर लिखा हो तो वो सेम टू सेम लिखना है। कैसे? देखिए पहले आप 2 चेक करिए कि 2 ऊपर और नीचे कहीं है क्या? नहीं है, तो 2 के बाद एक बार 2 का 2 लिख दो आप। फिर अगले 2 पर आओ, अब देखो 2 ऊपर नीचे और नीचे कहीं पर है क्या? नहीं है, 2 एक बार 2 का 2 सेम टू सेम लिख दो। अब 3 पर आ जाओ, देखो 3 ये है तो 3 ऊपर भी है, बीच में भी है, लास्ट में भी है, 3 तीनों में क्या है? सेम है, तो कितनी बार लिखोगे आप? एक बार लिखोगे। इस 3 का तो काम हो चुका। अब आ जाओ 5 की वाली कितनी बार है? एक बार है, एक बार लिख दो। 7 कितनी बार है? एक बार है, तो एक बार लिख दो। अब इन सबका कर दो इनटू, कहने का मतलब जो है एचसीएफ में तीनों सेम हो तो एक बार,
एलसीएम में सिंगल वाला भी, डबल बार हो तो भी एक बार, ट्रिपल बार हो तो भी एक बार लिखा जाता है। इनका इंटू कर दो, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, सिक्सटी इंटू सेवन फोर ट्वेंटी। तो आपका आंसर कौन आया 420 और यहाँ कौन आया एलसीएम 3। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29। करते हैं क्वेश्चन, गिवन लिखा, कॉमन लगाया 17, 23 एंड 29। तो 17 के फैक्टर करो, 23 के फैक्टर करो और 29 के फैक्टर करो। अब देखिए 17 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब होता है वो केवल खुद ही के टेबल से कटते हैं, किसी से वो नहीं कटते। तो ये 17 है वो 17 से ही कटेगा, 23 23 से कटेगा, 29 29 से कटेगा। 17 बन जा 17, 23 बन जा 23, 29 बन जा 29। ये आपके होगा फैक्टर, इनके लिख दो आगे बस करके। नाउ अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी लिखा था मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। कैसे देखिए, जी पी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन कौन है 17, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फिर कौन था 23, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फिर कौन था 29। अब 17 का फैक्टर कौन आया ओनली 17, 23 का फैक्टर कौन आया 23, 29 का फैक्टर कौन आया 29। अब लिखो हैंस, अब निकालो एलसीएम और एससीएफ, एलसीएम और एससीएफ। अभी सिखाया था एससीएफ के मतलब क्या होता है, जो तीनों में सेम हो वो क्या होता है एससीएफ। अब तो 17 ऊपर है, 23 बीच में, 29 सेम है। अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिखे तो एससीएफ इतना मानना हमेशा बंद, अगर तीनों में कुछ कॉमन ना दिखे तो एससीएफ इतना मानना हमेशा बंद। अब देखो एलसीएम में सिंगल वाला भी, डबल वाला भी, ट्रिपल वाला भी। 17 एक बार 17 एक बार लिखा, 23 एक बार 23 एक बार लिखा, 29 एक बार 29 एक बार लिखा, बस इनका कर दो इंटू आपका आंसर आ जाएगा। 17 इंटू 23 में इंटू करते हैं, 3 7 21 का 1, 2 कैरी आई, 3 1 3 1 3 और 2 5, 2 7 14 का 4, 1 कैरी आई, 2 1 2 और 3, यह 193। ये 391 का इंटू किसमें कर, 17 का इंटू 23 में करा, कौन आया 391। अब 391 का इंटू कर दो 29 में, करते हैं 391 का इंटू करना 29 में, 391 का इंटू कर, देखो इन दोनों का इंटू करा कौन आया 391। अब 391 का इंटू करना 29 में, करते हैं 9 1 9 9 9 81 का 1, 8 कैरी आई, 9 3 27 और 8 35 इंटू, 2 1 2 2 9 18 का 8 कैरी आई, 1 2 3 6 और 1 7, तो 9 का 9, 1 और 2 3 5 एट 13 का 3 कैरी आई, 1 1 3 4 4 और 7 11, तो कौन आया 1 1 3 और 9। ये आपके पास कौन आ गया एलसीएम आ गया, हो गया बस। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 8, 9 और 25। थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25 गिवन लिखा आपने, कॉमा लगाया 8, 9 एंड 25। करते हैं 8 के फैक्टर, करते हैं 9 के फैक्टर, करते हैं 25 के फैक्टर। चलिए 8 पता है 2 से कटेगा, पहले 2 की डेट कितनी बार में आता है 4 बार में, 2 की डेट 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, और 2 बन जा 2। 9 पता 3 से कटेगा, 3 की रेट 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 3 की रेट 3 कितनी बार में आता है 1 बार में, खत्म बस। अब आया 25 पता 5 से कटेगा, 5 की टेबल 25 कितनी बार में आता है 5 बार में, और 5 की टेबल 5 कितनी बार में आता है 1 बार में, हो गया बस। अब इनका नाउ करके लिख दो बस, आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ वही प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले कौन था 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कौन था 9, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कौन था 25। इनके फैक्टर कर लो, 8 में कौन आया 3 बार 2, एक बार दो बार और 3 बार, 9 में कौन आया 3 और 3, 25 में कौन आया 5 और 5। इन साइड में कर दे, इससे आपको दिक्कत नहीं है आगे पीछे पलटने में, चल पीछे कर लेता हूं। हैंस एलसीएम और एससीएम, देखो एससीएम देखो तीनों में सेम कौन है, देखिए 2 ऊपर है पर नीचे है क्या, नहीं है। 2 ऊपर नीचे है क्या, 3 बीच में ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। 5 ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। तीनों में कुछ भी सेम नहीं है।
अगर तीनों में कुछ भी सेम नहीं होता तो एससी पे इतना माना जाता है वन, तो एससी पे तो लिख लेंगे हम वन। अब देखो एलसीएम में, एलसीएम में टू ऊपर है पर नीचे है क्या? नहीं है। टू ऊपर है नीचे है क्या? नहीं है। टू ऊपर है नीचे है क्या? नहीं है। तो तीन बार अपने पास कौन है? टू है। तो तीन बार कौन लिखा अपन ने? ये टू लिखा। अब थ्री पर आ जाओ, थ्री भी देखो बीच में है ऊपर नीचे है क्या? नहीं। थ्री भी बीच में ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। तो थ्री कितनी बार लिख लेंगे? दो बार। थ्री दो बार लिख लो, एक बार और दो बार। इसी प्रकार देखो फाइव ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। तो फाइव यहां कितनी बार लिख लेंगे? दो बार लिख लेंगे। अगर तीनों में सेम होता तो अपन एक बार लिखते, पर ऊपर ऊपर रो में ये केवल एक ही बार माना जाएगा। तीन बार दो लिखा, दो बार तीन लिखा, दो बार कौन लिख देंगे अपन? पांच लिख देंगे। इनका आप इंटू कर लो, करते हैं इंटू। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री या ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर थ्री या सेवेंटी टू, सेवेंटी टू टू फाइव या थ्री सिक्सटी, थ्री सिक्सटी इंटू फाइव वन एट डबल जीरो। क्लियर है? तो आज के तीनों क्वेश्चन सीखे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।